रेडी यस एक्शन. तो हम आ चुके हैं होटल सॉनेट, जहां पर T20 फॉर्मेट का जो ये गेम है इसका फीवर ऑलरेडी बहुत ज्यादा चढ़ा चुका है. और हमारे साथ यहां पर है संदीप सिंह और मनीष कांत, जिनसे हम जानेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर गेम. तो सबसे पहले आर यू गाइस रेडी, मैं कुछ सवाल आप लोगों से पूछूंगा. तो मेरा सबसे पहला सवाल मनीष आपसे ये है कि ये जो T20 गेम है और ये जो क्रिकेट एज अ गेम अगर आप देखिए, व्हाट वैल्यू डज इट होल्ड इन योर लाइफ? एक्चुअली मेन ये जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं तो ये हमें ये बताता है कि पर्टिकुलरली एक बैट्समैन और उसको 11 जन टोटली घेरे हुए हैं, मीन्स बॉलिंग करने वाले फील्डिंग के ऊपर, उसको वहाँ पे कैसे परफॉर्म करना, एग्रेशन लाता है वो फीलिंग में, वो प्रेशर में उसको परफॉर्म करना पड़ता है. फर्स्ट थिंग इज दैट, सेकेंड इज दैट कि उस वहाँ पे उसको दोनों वे में सोचना पड़ता है कि एज अ बॉलर वो कैसे ये करेगा, एज अ क्रिकेट एज अ बैट्समैन वो कैसे करेगा, और उसके अराउंड का बाउंड्री का मतलब इंटरेक्ट करना पड़ता है कि हाउ मतलब मैनेजमेंट टोटल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है. सो आपको ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर इंसान को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो डू यू एसोसिएटेड कि आपके साथ भी लाइफ में ऐसा कभी कुछ होता है? वहाँ बहुत कुछ सीखने मिलता है, हाउ टू मैनेज. आप एक फील्ड में खड़े हो, आप एक पर्टिकुलर एक बैट्समैन, आपको 11 जन घेरे हुए, सब आपको चाह रहे हैं कि आपका विकेट ले, आपको घेरे, वहाँ पे आपको परफॉर्म करना पड़ता है, वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ लेवल से अपना जो मैक्सिमम लेवल दिखाना पड़ता है, वहाँ पे आपको अल्टीमेट मतलब हाई लेवल में आपका जो बैटमैन का एक नॉर्मल लेवल होता है उससे ऊपर जाके सोचना पड़ता है, मोस्टली आपको सब कवर करना पड़ता है. ऑलराइट संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो T20 ये जो फॉर्मेट ऑफ गेम है, ये क्रिकेट में टेस्ट मैचेस है, वनडे है, 50-50 ओवर मैचेस है, ये T20 क्या लगता है आपको कि T20 फॉर्मेट, व्हाट डज T20 फॉर्मेट गिव्स वैल्यू टू क्रिकेट, क्या देता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट लव T20 फॉर्मेट बिकॉज इसमें लाइक 50 ओवर्स का पहले मैच हुआ करता था, तो देन ऑल द बॉलर्स ऑल द बैट्समैन गेट लॉट ऑफ टाइम, बट अभी 20 ओवर में आपको गेम खत्म करना है, तो बैट्समैन हैव टू गिव एवरीथिंग, सो इट्स लाइक प्ले हार्ड, जितना हो सकता है मारो, बस वही गेम है. तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में भी ऐसा होता है कि यू गेट वेरी लेस अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, सो ऑब्वियसली एवरीवन गेट्स वेरी लेस अपॉर्चुनिटी, और एक बार मिलता है अगर छूट जाता है फिर दोबारा मिलता भी नहीं है, तो जस्ट यू हैव टू प्रूव इट एट द फर्स्ट टाइम, अगर नहीं कर पाए तो आप गेम हार गए. ऑलराइट मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्योंकि ये एक नया फॉर्मेट है T20 और इसे इंक्लूड किया गया है क्रिकेट में, तो आपको क्या लगता है ये कितने हद तक सही फॉर्मेट है एज इन क्रिकेट में, क्योंकि कुछ ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो आज ये मानते हैं कि नहीं टेस्ट फॉर्म ऑफ टेस्ट मैचेस जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग कहते हैं 50-50 ओवर बहुत अच्छे हैं, आपको ये लगता है T20 जो इंक्लूड हुआ है क्रिकेट में ये कितना सही है, और व्हाट डू यू थिंक इसके बारे में? मोस्टली T20 मैचेस जो होता था 50 ओवर्स का होता था, तो पीपल गेट बोर्ड नॉर्मली, जो पीपल नहीं इंटरेक्ट रहते, जो क्रिकेट में एडिक्टेड नहीं है, वो सोचते थे कि स्टार्टिंग में देखेंगे टॉस एंड आफ्टर दैट जब मैच एंड होगा तब देखेंगे. ये जो हुआ है आपका ये T20 मोस्टली आपका शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ है, तो नॉर्मली जो पीपल जो इन्वॉल्व नहीं भी है क्रिकेट में वो भी इंटरेक्ट करते हैं, देखते हैं कि एक शॉर्ट टाइम का है, इंटरेक्ट होता है, मोस्टली इट वॉज नॉट समथिंग लाइक कंट्री के बीच में, वो अपना स्टेट एक स्टेट के बीच में मोस्टली वो जाता है, इट वॉज नथिंग लाइक अ वॉर समथिंग लाइक अ मैच, इट इज जस्ट बिटवीन नॉर्मल मैच, सिंपली अ मैच. सो जितना मुझे समझ में आता है मनीष, डू यू वांट टू से कि ये इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट इन क्रिकेट? ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट दे देता है, नॉर्मली बॉलीवुड और क्रिकेट इंटरेक्ट करता है, ऑल पीपल नॉर्मली अगर 50 ओवर्स का मैचेस होता है नॉर्मली, जो ये वनडेज होता है तो उसमें आपका क्रिकेटर्स लोग उतना नहीं जाते जितना कि T20 या T20 हम लोग सपोर्ट भी करते हैं, एंड मोस्टली जो कोलकाता की टीम है एक ऑलमोस्ट एक आपका एक्टर होल्ड कर रहा है उस टीम को, मुंबई की टीम है एक बिजनेस टाइकून होल्ड कर रहा है उस टीम को, तो काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट मसाला टाइप. ओके, एंटरटेनमेंट मसाला सब कुछ मिलता है. तो हमारे साथ है संदीप सिंह एंड मनीष कांत, अब हम और भी लोगों को ढूंढते हैं, उनसे भी कुछ सवाल करते हैं. सो आप लोग क्रिकेट देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए. थैंक यू सो मच.